हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासु पांडे, क्लास 10th मैथ्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है कि आजकल हम वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम उसी बेस पे क्वेश्चंस के लिए भी आए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने 9th की जगह पे 3 लिख दिया था। आप उस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, बाकी सारा कुछ सही है। वहाँ 9th की जगह पर 3 लिखा हुआ है और 3 को हमने कॉमन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ पे 9 लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। आइए हम इस क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहा हुआ है, क्वेश्चंस कहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एन क्यू माइनस वन इज डिविजिबल बाई 6। मतलब यह जो एन क्यू माइनस एन है, कहने का मतलब यह है जो एन क्यू माइनस एन है यह 3 से 6 से डिविजिबल है। यदि एन की जगह पर कोई भी वैल्यू हम रखें तो ओवरऑल वह वैल्यू क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। क्वेश्चन समझ में आया, यह क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो जिसे कह रहा है कि यह 3 से 6 से डिविजिबल होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा यदि वह 2 और 3 से डिविजिबल होगा। यदि कोई नंबर है जैसे 12 है, यह 6 से डिविजिबल तभी होगा जब यह 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 2 और 3 से डिविजिबल यदि कोई नंबर हो जाता है तो वह 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं, बिना कंसेप्ट क्लियर किया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले हम इस क्वेश्चन में दिखाएंगे कि जो भी यह इंटीजर दिया है वह 3 से डिविजिबल है और वह 3 से भी 2 से भी डिविजिबल है, तो अपने आप वह 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में जैसे ये दिया है, क्या दिया है, एन क्यू माइनस एन। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, यन कॉमन है, यन कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन, यही बचेगा। अब देखिए यहां पर फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन, एक ब्रैकेट में एन प्लस वन और एक ब्रैकेट में एन माइनस वन, यहाँ पे स्क्वायर है, हम इसका यह फार्मूला लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको मिल गया, फर्स्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसा हमको पता है वी नो दैट इफ एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को एक बार 3 से डिविजिबल करेंगे, एक बार 2 से डिविजिबल करेंगे इंटीजर n को। तो यहां पर लिखेंगे If, दो केस बनाएंगे, पहले हम ए पॉइंट को लिख लेते हैं, ए वाले पॉइंट में, इफ एन इज डिविजिबल बाय 3, यदि एन क्या हो 3 से डिविजिबल हो। अब देखो पुरानी वाली बात, एन किससे डिविजिबल हो, 3 से, कुछ ना कुछ कोशियंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, आएगा ना। तो लिखेंगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डायरेक्ट लिखते हैं एन इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस आर, वेयर आर 0 एंड यहां क्या हो जाएगा 3, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2,
कितना केस बनेगा, आर की थ्री पॉसिबल के लिए, थ्री पॉसिबल वैल्यू के लिए केस कितना बनेगा, थ्री। अब हर एक केस में हम एन की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ थ्री केस बनाएंगे, ऐसे ही हम एन इज डिविजुअल बाई टू के लिए लिखेंगे। तो पहले हम एन इज डिविजुअल बाई थ्री के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे एन इज डिविजुअल बाई थ्री कैसे, टू कैसे सॉल्व होगा। तो पहले एन इज डिविजुअल बाई थ्री के लिए लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखेंगे व्हेन व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या बन जाएगा एन इज इक्वल टू थ्री क्यू। ये एन इज इक्वल टू थ्री क्यू हो गया, तो अब इस यंग की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट थ्री से डिविजिबल हो जा रहा है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगा, एन क्यू माइनस एन इज इक्वल टू रखते हैं यहां पे थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू माइनस वन। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट पर रखते हैं, पहले मेरा बना, अब यह जो आया यह क्या थ्री से डिविजिबल है, देख रहे हैं इसमें थ्री का मल्टीपल है तो थ्री से डिविजिबल होगा। हम लिख सकते हैं विच इज, याद है ना, लिखेंगे इसी क्यों, विच इज डिविजिबल बाई थ्री। केस फर्स्ट में हमने देखा कि एन इक्वल टू थ्री क्यू रखने पर थ्री से डिविजिबल हो गया। अब केस सेकेंड लिखेंगे, ऐसे ही केस थर्ड सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम लिख लेते हैं केस सेकेंड और केस थर्ड। देखिए केस सेकेंड में हमने क्या लिखा, आर की वैल्यू को वन रखा इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में हमने आर की वैल्यू को वन रखा, तब क्या आया एन इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो मेरा बना ये वाला वैल्यू। यहाँ देख रहे हैं यहाँ थ्री क्यू अलग है, अनमिस थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू है, यानी यह जो है थ्री का मल्टीपल है, यह थ्री से डिविजिबल होगा। यह थ्री से डिविजिबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ थ्री सबसे अलग हो सकता है निकल के, यदि मैं थ्री कॉमन ले लूँ थ्री सबसे बाहर चला जाएगा सिर्फ यहाँ से, तो ये सारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, थ्री से। लिखा विच इज डिविजिबल बाई थ्री, तो केस फर्स्ट भी थ्री से डिविजिबल हो गया, केस सेकेंड भी थ्री से डिविजिबल हो गया। अब एक बचा हुआ केस थर्ड, जब आर की वैल्यू क्या होगी टू, तो आइए हम इसको मिटाते हैं, यहां से ये मिटा करके यही लिखते हैं केस फर्स्ट। केस थर्ड में देखिए जब हमने आर की वैल्यू को टू रखा, केस थर्ड में आर की वैल्यू जब टू रखा हम कहां इक्वेशन सेकेंड में, तो क्या मिला एन इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, और थ्री क्यू प्लस टू को फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो देखा इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर और सॉल्व करने पर ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस वन, ऐसे सब में सबसे बाहर क्या है थ्री, मतलब इसका भी मल्टीपल क्या है थ्री, जब इसका भी मल्टीपल थ्री है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा थ्री से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिए पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा थ्री से डिविजिबल होगा। तो मतलब केस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने देखा यन थ्री के लिए तीनों केस में जो यन क्यू माइनस वन है वह किससे डिविजिबल है थ्री से। इसी तरह हम यहाँ तो हमने ए के लिए थ्री के लिए देखा, इसीलिए हम इसी तरह हम टू के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे टू के लिए देखेंगे, और टू के लिए भी देखेंगे कि क्या हर केस में एन क्यू माइनस यन टू से डिविजिबल है। तो आइए हम वहां पर देखते हैं फॉर एन इज इक्वल टू एन इज डिविजिबल बाई थ्री। देखिए जब यन जो है
टू से डिविजिबल होगा तब क्या होगा। इससे पहले हम देखे थे जब यम थ्री से डिविजिबल होगा तब क्या होगा, अब क्या देख रहे हैं जब यम टू से डिविजिबल होगा तब क्या होगा। जब यन टू से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कोशियंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे और इसको हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि दो और फर्स्ट मान चुके हैं यहां मान लेंगे थर्ड जहां पर कंडीशन यह हो। अब इसके लिए कितना केस बनेगा, तो इसके लिए भी केस बनेगा कितना, टू केस बनेगा, जीरो और वन। इसके लिए जीरो और वन टू केस बनेगा, थ्री के लिए कितना केस बने था थ्री, और टू के लिए आपका दो केस बनेगा। तो आइए हम दो केस में लिखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तब आपको बताते हैं। देखें केस कंडीशन बी में हमने इससे पहले कंडीशन ए लिया था, कंडीशन बी में हमने केस फर्स्ट बनाया, केस फर्स्ट में हमने जब एन की वैल्यू टू क्यू निकाला तो टू क्यू की वैल्यू को कहां रखा हमने, केस सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमको पता चला कि यह पूरा जो है केस फर्स्ट टू से डिविजिबल है। फिर हमने कंडीशन बी में केस सेकंड देखा, केस सेकंड में जब आर की वैल्यू वन रखा तो एन स्क्वायर टू क्यू प्लस वन हुआ। अब टू क्यू प्लस वन को कहां रखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमने देखा कि यह आया मेरा इक्वेशन। अब इसमें देखिए कि टू क्यू है, टू क्यू है मतलब यह पूरा क्या है, टू का मल्टीपल है। अब टू का मल्टीपल है तो टू से डिविजिबल होगा, अब टू से डिविजिबल हो गया यानी केस फर्स्ट में टू से डिविजिबल हो गया, केस सेकंड में टू से डिविजिबल हो गया। कंडीशन बी में भी दोनों केस टू से डिविजिबल है, कंडीशन ए में भी तीनों केस थ्री से डिविजिबल था। तो हम यह कह सकते हैं कि इन द कंडीशन ए एंड बी एज जैसे एन क्यू माइनस वन इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, एन क्यू माइनस वन क्या था टू और थ्री से दोनों से डिविजिबल था, तब एन क्यू माइनस एम जो होगा सिक्स से डिविजिबल होगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने रफ करके क्वेश्चन लगा रहे थे, आप जब क्वेश्चन लगाइएगा तो क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, तब आगे लगाते रहिएगा। मैं इसी में का क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर देखिएगा क्वेश्चन आपको लग जाएगा आपसे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।